हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम आपके सामने लेके आए जनरेटिंग फंक्शन। इसके बारे में आज हम आपको बताएंगे। तो ये मेथड की स्टडी करने के लिए ये स्टडी करी जाती है डिफरेंस इक्वेशन के सॉल्यूशन के लिए, तो इसलिए जनरेटिंग फंक्शन का उपयोग किया गया है। तो इसकी डेफिनेशन देखते हैं। तो आपकी इसकी डेफिनेशन आप देख सकते हो कि यहाँ पर डेफिनेशन है कि इफ़ वाई जीरो वाई वन वाई टू डॉट 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 इन्फिनिटी इज ए सिक्वेंस ऑफ ए रियल नंबर, एक ही रियल नंबर का सिक्वेंस है, एंड द फंक्शन वाई डिफाइंड फॉर सम इंटरवल ऑफ रियल नंबर्स कंटेनिंग जीरो हुज वैल्यू एट टी इज गिवन बाई द सीरीज। आपकी एक सीरीज में इसको टी की सीरीज आपको दे रखी होगी, यही आपकी जनरेटिंग फंक्शन होता है। वाई टी बराबर वाई जीरो प्लस वाई वन टी प्लस वाई टू टी स्क्वायर प्लस डॉट 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 बाई एच टी की पावर एच प्लस डॉट 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 इन्फिनिटी। तो ये आप देख सकते हो सिग्मा एच टेन टू जीरो टू इन्फिनिटी वाई एच टी की पावर एच। तो इस हिसाब से आप देख सकते हो कि ये आपका जनरेटिंग फंक्शन होता है, वो भी वाई टी सिक्वेंस का। इसको आप अच्छी तरीके से नोट कर सकते हो, ये इसकी डेफिनेशन है, इंपॉर्टेंट है। तो इसके बारे में आप इसके कुछ जो हम इस स्पेशल जनरेटिंग फंक्शन देखेंगे, तो उसको इसके लिए हम आपको एक टेबल आपको बता देते हैं। उससे टेबल से आप देख सकते हो ना, यदि आपको इसको प्रूव करना है तो उसके बारे में भी आप बता सकते हो। तो हम इसका प्रूफ भी हम आपके नेक्स्ट वीडियो में डाल दे सकते हैं। तो इसका हम आपको एक हिसाब से इसकी जनरेटिंग फंक्शन की आपको टेबल बता देते हैं। टेबल आप देख सकते हो इसकी क्या है। तो इस टेबल सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट एक टेबल है। इस टेबल को आपको अच्छी तरीके से तैयार करना पड़ेगा, क्योंकि आप क्वेश्चन इसी टेबल की सहायता से आप कर सकते हो। यदि आपका जनरल टर्म, मतलब कि आपका जो बाई एच होता है वो आपका क्या होता है, जनरल टर्म होता है, यदि वो वन है तो उसका जनरेटिंग फंक्शन क्या होगा, वन अपॉन वन माइनस टी। इसको आप अच्छी तरीके से आपको इसको याद करना पड़ेगा। इसके बाद यदि आपका एच प्लस वन हो बाई एच बराबर, तो आपका क्या होगा, वन अपॉन वन माइनस टी का होल स्क्वायर, ये आपका जनरेटिंग फंक्शन होगा। ये सभी आपका प्रूफ हो जाते हैं बहुत ही सिंपल तरीके से, क्योंकि आप इसको वाई टी बराबर आपको इसको ये दे रखा होगा, इसको आप ऊपर ले जाइएगा, फिर इसमें बाइनोमियल लगाइएगा, जिससे आपको ये एच प्लस वन इसका जनरल टर्म आपको मिल जाएगा। क्योंकि ये क्वेश्चन में सिंपल, मतलब कि एक ही स्टेप में आंसर करने के लिए इसका यूज किया जाता है, इसलिए इंपॉर्टेंट है इस टेबल को याद करने के लिए, क्योंकि ये टेबल से आप जल्दी से जल्दी क्वेश्चन कर सकते हो। यदि आपको एच दे रखा हो तब इसका क्या होगा, टी अपॉन वन माइनस टी का होल स्क्वायर। आप देख सकते हो लगातार हम इसलिए लिख रखा है क्योंकि आपको ये अच्छी तरीके से याद होने के लिए जल्दी से मतलब की सहायता मिले। तो इसके बाद आप देख सकते हो यदि एच एच प्लस वन हो क्वेश्चन में, तो इसका क्या हो कि टू टी अपॉन वन माइनस टी का होल क्यू। ये इसको अच्छी तरीके से याद कर लीजिएगा, और ये आपका सबसे इंपॉर्टेंट है बी की पावर एच, क्योंकि इसकी यदि आप सॉल्व करोगे तो थोड़ा सा कठिन होता है, क्योंकि इसमें जी पी बनती है। तो जी पी की सहायता से आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो इसमें यहाँ पे बनेगा वन अपॉन वन माइनस बी टी। आप चाहो तो इस सब का प्रूफ है, आप इसको अच्छी तरीके से देख सकते हो, आपकी बुक्स में दे रखा होगा, नहीं दे रखा है तो आप बता दीजिए कमेंट में, तो हम इसकी प्रूफ भी आपके सामने डाल देंगे। तो आप देख सकते हो अब अगला क्या है, आपका वाई एच आपको दे रखा होगा तो आपका वाई टी होगा, ये तो हम पहले ही बता चुके हैं। तो यदि आपको वाई एच प्लस वन होगा तो ये आपका लास्ट में हम इसका जो थर्ड आपको एग्जांपल समझाएंगे उसमें इसका बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसका आपका सब एक ही स्टेप में आपका यूज करना पड़ेगा, वाई टी माइनस वाई जीरो अपॉन वन टी, जिस जो कि आपको ये प्रूफ है इसके बाई एच की सहायता से आपको ये सब निकलता है बाई एच बराबर वाई टी से। तो ये आपको याद करना पड़ेगा कि बाई एच प्लस वन का क्या फार्मूला होता है, वाई टी माइनस वाई जीरो अपॉन टी। इसी प्रकार से बाई एच प्लस टू का क्या होता है, वाई टी माइनस वाई जीरो माइनस वाई वन इंटू टी अपॉन वन अपॉन टी का स्क्वायर। इसी प्रकार से आप देख सकते हो यदि वाई एच प्लस एन हो तब क्या हो जाएगा आपका फार्मूला, वाई टी माइनस वाई जीरो माइनस वाई वन टी माइनस डॉट 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 माइनस वाई एन माइनस वन टी की पावर एन माइनस वन अपॉन टी की पावर एन। और लास्ट में आपकी ये लीनियरिटी प्रॉपर्टी होती है इसकी जनरेटिंग फंक्शन की, वो आपको दे रखी है। आप देख सकते हैं यहाँ पे गामा वन जो आपका लैम्डा वन और बाई एच की पावर फर्स्ट अप्रोक्सीमेशन प्लस यहाँ पे लैम्डा टू और यहाँ पे बाई एच की पावर टू अप्रोक्सीमेशन। तो इसके बाद आप देख सकते हो कि यहाँ पे इसका जो जनरेटिंग फंक्शन होगा वो आपका क्या होगा, इसको आप देख सकते हो अच्छी तरीके से। यहाँ पे होगा लैम्डा वन वाई वन टी प्लस लैम्डा टू वाई टू टी, इसको आप अच्छी तरीके से आप देख सकते हो। तो आपने ये अच्छी तरीके से टेबल समझ में आ गई होगी, इसका आप स्क्रीन शॉट खींच सकते हो, क्योंकि आपका सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसका आप स्क्रीन शॉट जल्दी से खींच लीजिएगा। हम इसके आगे इसके एग्जाम्पल आपको बताते हैं। तो इसका आप एक एग्जांपल देखिएगा, इसका ये एक एग्जांपल आपके सामने भी लेके आते हैं। तो इसका एक एग्जांपल है आपका इम्पोर्टेंट, तो इसका एक एग्जांपल आपके सामने है, यही है इसका शायद।
आप इसका एग्जांपल देख सकते हो। इसका एग्जांपल आपका जैसे देख रखा है कि फाइंड द जनरेटिंग फंक्शन ऑफ सीक्वेंस वाई एच, आपको वाई एच दे रखा है और आपसे पूछा गया है कि इसका जनरेटिंग फंक्शन क्या होगा। ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसको टू मेथड से कराया जा सकता है, लेकिन आपको ये मेथड आपको हम बताते हैं इसको इस मेथड से कैसे करेंगे। तो इस मेथड को आप समझने के लिए आप इसको थोड़ा सा फोकस करिएगा कि आपको टेबल का इसमें सबसे ज़्यादा उपयोग होगा। उस टेबल को आप अच्छे तरीके से आप अपनी कॉपी पे नोट कर लीजिएगा या फिर स्क्रीन शॉट करके खींच के उसको समझिएगा। फ्रॉम द टेबल द जनरेटिंग फंक्शन ऑफ ए सिक्वेंस हुज जनरल टर्म इच वन अपॉन वन माइनस टी। जब आपका जनरल टर्म मतलब कि वाई एच बराबर वन होता है तब उसका जनरेटिंग फंक्शन होता है वन अपॉन वन माइनस टी। इफ़ द जनरल टर्म टू, यदि जनरल टर्म यदि यहाँ पे टू है तो उसका क्या है जनरेटिंग फंक्शन क्या हो जाएगा, टू अपॉन वन माइनस टी। इतनी बात आपको अच्छी तरीके से समझ में आई होगी। यदि आपका इन द केस ऑफ जनरल टर्म इज एच, जब एच जनरल टर्म होता है तब आपका क्या होता था टी अपॉन वन माइनस टी का होल स्क्वायर। तो यदि यहाँ पे h का इतना होता है तो यहाँ पे 3h का कितना होगा, 3 अपॉन वन माइनस टी का होल स्क्वायर। इसको आप अच्छे तरीके से समझिए। इसको हम एक बार आपको टेबल फिर से आपको दिखा देते हैं या फिर आप कुछ खुद देख लीजिएगा कि जब आपका वन था आपका जनरल टर्म मतलब वाई एच का मान जब आपका वन था तब आपको यहाँ पे इसका वो वाई टी आपका कितना होता है वन अपॉन वन माइनस टी, और यदि यहाँ पे वाई एच का मान टू होगा तो वाई टी का मान भी यहाँ पे टू हो जाएगा। इसी प्रकार से आपका क्या है, जब आपका वाई एच का मान यदि एच होता है तब आपका जनरल टर्म जो आपका जनरेटिंग फंक्शन होता है वो टी अपॉन वन माइनस टी का होल स्क्वायर होता है, और यदि यहाँ पे 3h हो जाएगा तब आपका क्या हो जाएगा 3t अपॉन वन माइनस टी का होल स्क्वायर। इतनी बात आपको समझ में आई होगी। क्योंकि हमने 3h क्यों निकाला सर, 2 क्यों निकाला, क्योंकि आपको क्वेश्चन में यहाँ पे 2 दे रखा था और यहाँ पे 3h दे रखा था। जिस हिसाब से क्वेश्चन में जैसे भी आपको दे रखा हो उस हिसाब से आप उसको यूज करिएगा और उसको आप अच्छी तरीके से सॉल्व करिएगा, जिससे आपका जनरेटिंग फंक्शन बहुत जल्दी निकल के आ जाएगा। अब क्या करेंगे, इसमें लिनियरिटी प्रॉपर्टी की सहायता से इसको आप ऐड करके लिख सकते हो कि ये आपका आया है 2 का और ये आपका आया है 3h का, इन दोनों को आप ऐड कर दीजिएगा जिससे आपका यही आपका आंसर हो जाएगा। ये था आपको यदि आपको वाई एच आपको सिक्वेंस दे रखा हो तब आपको जनरेटिंग फंक्शन आपको कैसे फाइंड करना है। तो ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, ये आपका करीबन 4 नंबर में आराम से आ सकता है क्वेश्चन। तो इसके बाद हम आपको बताते हैं इसका सेकेंड एग्जाम्पल, उसको एग्जाम्पल को भी आप अच्छी तरीके से समझिएगा। आपका सेकेंड एग्जाम्पल भी आपका इंपॉर्टेंट है कि आप जब आपके सामने दे रखा हो कि फाइंड द सिक्वेंस वाई एच, आपको एक वाई एच सिक्वेंस आपको निकालना हो यदि आपको जनरेटिंग फंक्शन दिया हो। पहले में क्या था, आपको सिक्वेंस आपको दिया था जब जनरेटिंग फंक्शन निकालना था। अब आपको क्या कह रखा है कि आपको जनरेटिंग फंक्शन आपको दिया है तब तो आपको सिक्वेंस निकालना है। ये आपके उल्टा क्वेश्चन समझ लो, बिल्कुल उल्टा है। तो इस क्वेश्चन को आप करने के लिए आप इसको अच्छी तरीके से ध्यान से देखिएगा। तो इस वीडियो को इस मतलब कि कोई सोल्यूशन आप देख सकते हो। यदि आपको स्टार्टिंग करनी है कि आपको बाई टी बराबर आपको इतना दे रखा है तो इसके बाद आपको क्या करना पड़ेगा कि इसको आप ऊपर लेके जाइएगा तो यहाँ पे हो जाएगा 3 1 माइनस टी की पावर माइनस वन, और यहाँ पे हो जाएगा आपका 1 माइनस टू टी की पावर माइनस वन। तो आप इसके बाद इसमें बाइनोमियल लगा दी हमने, और यहाँ पे भी हमने इसमें बाइनोमियल लगा दी। बाइनोमियल वाला आप वीडियो देख सकते हो या फिर आपके नोट में आपका लिखा होगा तो इसकी बाइनोमियल थ्योरम के बारे में, तो इसको आप देख सकते हो। इसके बाद हमने क्या किया है, इसमें 3 का मल्टीप्लाई किया है और यहाँ पे हमने इसके साथ 1 के साथ इसको हमने ऐड करके यहाँ पे लिखा हुआ है। इसको आप अच्छी तरीके से समझिए, यहाँ पे 3 का इसमें मल्टीप्लाई किया और यहाँ पे 1 है तो 3 + 1 हो गया, यहाँ पे टी है तो यहाँ पे 3, और यहाँ पे कितने 2 है तो यहाँ पे 3 + 2t हो गया। आपका भी सर ये तो 4 हो गया, ये यहाँ पे 5 हो गया, लेकिन आपको बाद में सीरीज बनानी पड़ेगी इसके कारण इसमें आपको हेल्प मिलेगी। तो यहाँ पे कितना हो जाए 3 + 2 का होल स्क्वायर, यहाँ पे टी स्क्वायर प्लस डॉट 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 3 + 2h की पावर इंटू टी की पावर h। तो यही आपका जनरल टर्म होता है जिसको हमने इस हिसाब से यहाँ पे लिख देते हैं। आप देख सकते हो जब आप h का मान 0 रखोगे तो आपको यहाँ पे इतनी वैल्यू मिल जाएगी, क्योंकि यहाँ पे h का मान 0 रखोगे तो 2 की पावर 0 का मान 1 होता है और t की पावर 0 का मान भी 1 होता है, इसलिए आपको 3 + 1 यहाँ पे आपको मिल जाएगा। तो ये आपका क्या होता है, आपको इस सिक्वेंस में आपको लेके आना पड़ेगा। सबसे पहला काम ये आपका होता है, इसके बाद आपको कंपेयरिंग करनी पड़ेगी, जो कि आपका जानते हो कि कंपेयरिंग आपको कैसे करनी है। ये आपका क्या होता है, जनरेटिंग फंक्शन होता है, इससे आपको कंपेयरिंग करनी पड़ेगी। तो आपका कंपेयरिंग करने से आपको बाई एच आ जाएगी, यहाँ पे गलत लिखा है, यहाँ पे आपका वाई एच होगा तो यहाँ पे वाई की पावर एच नहीं होगा, तो वाई एच का मान आपका आ जाएगा यहाँ पे 3 + 2 की पावर एच। तो यही आपको निकालना था, यहाँ पे लिख दोगे
इसलिए द रिक्वायर्ड सिक्वेंस ऑफ बाई एच बराबर 3+2 की पावर एच, ये आपका सिक्वेंस निकल आया। तो ये आपका क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो इसको आप अच्छे तरीके से देखिएगा। अब हम आपको इसमें नोट बताते हैं, इसका एक क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट था जो कि हम आपके सामने नहीं डाल रहे हैं, आप कहोगे तो हम डाल देंगे, कि यदि आपको जो नीचे यदि आपके मल्टीप्लाई में हो, जैसे कि ये आपको दे रखा हो 1/(1-2t)/(1-2t), तो इसको आप क्या करेंगे पार्सियल्स की सहायता से इसको आपको अलग अलग करना पड़ेगा, मतलब कि इसको 1/(1-t) और यहाँ पे कुछ भी चेंज करके यहाँ पे 1/(1-2t) के फॉर्म में आपको अलग अलग आपको करना पड़ेगा, जिससे आप इसमें बाइनोमियल लगा सकोगे। अन्यथा की स्थिति में इस क्वेश्चन को सॉल्व करना कठिन हो जाएगा। यदि आपको इसमें मल्टीप्लाई दे रखा होगा तो आपको पार्सियल की सहायता से इसको हल करना है, मतलब कि ए अपॉन करके और बी अपॉन करके, और ए और बी का मान इसमें आपको फाइंड करना है, या फिर आप किसी भी मेथड से आप इसको अलग अलग कर सकते हो। कई मेथड है मैथ में, आप जानते ही होगे ये बात, और इसमें फिर उसके बाद आप इसमें बाइनोमियल लगा सकते हो, क्योंकि इसमें थोड़ा सा घुमा सकते हैं, इसलिए हमने इस क्वेश्चन में आपको हमने बता दिया है। इसके बाद करते हैं सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की, क्योंकि ये सभी चार चार नंबर वाले थे क्वेश्चन। इसके बाद आपका 10 नंबर में क्वेश्चन आने वाला है, वो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो उसको आप देख। क्वेश्चन नंबर आपका 7 आपके सामने लेके आएंगे। क्वेश्चन नंबर 7 है, अप्लाइंग द जनरेटिंग फंक्शन मेथड टू सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशन, जो कि आपके सामने ये है कि बाई एच प्लस 2-2 बाई एच प्लस 1+ बाई एच बराबर 2 की पावर h, विद बाई 0 = 2 एंड बाई 1 = 1। यदि यहाँ पे h प्लस 2 है तो यहाँ पे होगा आपको बाई 0 और बाई 1 दे रखा होगा, यदि यहाँ पे h प्लस 1 होगा तो आपको बाई 0 दे रखा होगा, यदि यहाँ पे h प्लस 3 दे रखा होगा तो आपको बाई 0 y1 और y2 दे रखा होगा। तो इसको समझते हैं इस क्वेश्चन को अच्छे तरीके से। तो ये आपको कुछ नहीं लिखना है, इतनी बात जो कि इसमें लिखी है हम आपको बता देते हैं क्या क्या आपको इसमें इंपॉर्टेंट है। तो जिसमें हमने इतना कर दिया, तो इसमें आपको कुछ नहीं लिखना है। इसके बाद आपको लिखना क्या है कि आपको सबसे पहले क्वेश्चन उतारना है, तो आपको क्वेश्चन उतारने के बाद आपको लिखना है मल्टीप्लाइंग द गिवन डिफरेंस इक्वेशन बाय टी की पावर एच एंड समिंग फ्रॉम एच टेंड टू 0 to ∞ बी है। इसके बाद आपको करना क्या है कि इसके बाद आपको ये बात आपको लिखनी है, इसका मतलब क्या है आपका, इसके बाद आपको सीधी बात ये लिखनी है, इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पे यहाँ को आपको सिग्मा एच टेंड टू 0 to ∞ बाई एच प्लस 2 t की पावर h और -2 सिग्मा एच टेंड टू 0 to ∞ एच प्लस 1 t की पावर h, और इसी प्रकार से यहाँ पे सब में सिग्मा और टी की पावर एच हमने यहाँ पे लगा दिया है। तो ये करना कुछ ज़्यादा कठिन नहीं है, सीधी सी बात है, इसमें सीधे इसमें सिग्मा ओनली हमने एच टेंड टू 0 to ∞ लगा दिया और टी की पावर एच का मल्टीप्लाई कर दिया है। इतना करने के बाद यहाँ पे हम धीमे धीमे सब में वैल्यू रखेंगे कि एच का मान यहाँ पे रखेंगे 1, 2, 3, 4, 5, 6 ऐसे रख देंगे, या फिर आप जानते हो कि बाई एच प्लस 2 दे रखा होता है तब इसका आप उस टेबल में आप देख सकते हो, इस टेबल जो हमने आपको बताई थी उसमें आप देख सकते हो कि कैसे इसको कन्वर्ट कर सकते हैं। जैसे ये आपको आगे दे रखा है, यदि हम इसका एक्सपेंशन करेंगे तब आपको इस हिसाब से आपको मिल जाएगा एक्सपेंशन करने के बाद। तो इस एक्सपेंशन के बाद आपको यहाँ पे बाई 0 और यहाँ पे बाई 3t प्लस बाई 4t² और यहाँ पे माइनस का 2/1 प्लस बाई 2t प्लस बाई 3t² प्लस .. और yt, और यहाँ पे आपको इस हिसाब से मिल जाएगा जब आप h का मान 0 से लेके इनफाइनाइट तक रखोगे। अब इसके बाद आप जानते हो कि इसके बाद ये स्टेप आपकी सीधी याद होनी चाहिए, या फिर हम आपको बता देते हैं ये कैसे होता है आपके सामने। तो ये स्टेप आपको करने के लिए आपको ये स्टेप आपको सीधी याद करनी पड़ेगी कि इसकी वैल्यू आपकी ये होती है yt - y0 - y1t / t² और यहाँ पे इसकी वैल्यू होती है yt - y0 / t और इसकी तो ये सीधी है yt और यहाँ पे ये आपको पता ही है आपका क्या बन चुका है, एक gp बन चुकी है। तो gp को आप जैसे सॉल्व करोगे तो 1/(1-2t) बनेगा, जिसको हमने ऊपर इसको लिख दिया कि 1 - 2t की पावर -1, या फिर इस हिसाब से समझिएगा, या फिर आप कह सकते हो कि इसका ये एक सीधा बाइनोमियल थ्योरम है 1 - 2t की पावर -1। तो इसको आप जैसे ही सॉल्व करोगे तो इसको सॉल्व करने से आपको yt आपने एक तरफ कॉमन ले लिया है और यहाँ पे आपको y0 मिल गया है, यहाँ पे y1 मिल गया है और इसको t² / 1 - 2t मिल गया, क्योंकि यहाँ पे t² का इधर क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया है और यहाँ पे हमने सब एलसीएम लेके हमने इसको yt को कॉमन ले लिया है। इतना काम करना कुछ ज़्यादा कठिन नहीं है और यहाँ पे आप देख सकते हो, इसके बाद आप इसको 1 - t² कर सकते हो और यहाँ पे yt की वैल्यू आपने फाइंड कर ली है। तो आप जैसे ही आप yt की वैल्यू फाइंड कर लोगे तो उसके बाद आपको करना क्या है
यहाँ पे पहली बात ये हो रहा है कि आपको जो बाई जीरो और बाई वन दे रखा है उसको आप पुट कर दोगे यहाँ पे बाई जीरो और बाई वन की जगह, जिसके बाद आपको वाई टी मिल जाएगा। तो बाई टी जैसे ही आपको मिलेगा तो इसकी सहायता से आपको बाई एच फाइंड करना है, और हमने आपको बताया था कि बाई एच फाइंड करने के लिए जितने भी आपको मल्टीप्लाई में दे रखे होते हैं उसको आपको अलग अलग करना है। तो ये आप कोई से भी मेथड से करते हो, एनी वेडी मेथड जो भी आपको अच्छी तरीके से आता हो। तो इस मेथड को जैसे ही हमने अलग अलग किया तो ये आपके सामने आएगा। तो इसको आप जैसे ही इसको सॉल्व करोगे तो इसको बिल्कुल ही अलग अलग सब आपके सामने होते हुए आ जाएंगे। तो इतनी बात तो आप खुद कर सकते हो, इसमें कुछ ज़्यादा कठिन नहीं है। ये इसका इसमें डिवाइड कर दिया, इसका इसमें डिवाइड कर दिया, मतलब कि थ्री वन माइनस टी की में वन माइनस टी का होल स्क्वायर का डिवाइड कर दिया, इसमें माइनस वन में इतने का डिवाइड कर दिया। तो इसको आप सोल्व करके आराम से इसको लिख सकते हो। इसके बाद आपको याद रहना है कि आपको दो सेम मिल रहे हैं यहाँ पे, ये और ये आपको दोनों सेम मिल रहे हैं, तो इसलिए आपका टू हो जाएगा, टू अपॉन वन माइनस टी स्क्वायर। तो इसके बाद आपको करना क्या है, इसको बाइनोमियल बनानी है बिल्कुल सेम टू सेम जो आपने वैसे काम किया है, कि आपको जनरेटिंग फंक्शन आपको दे रखा होगा तो आप इसके बाद आपको बाई एच कैसे फाइंड करना है बिल्कुल वैसे ही आपको सॉल्व करना है बिल्कुल सेम टू सेम। तो इसके बाद आपको ये मिल जाएगा, इस हिसाब से आपको ये भी मिल जाएगा, इस हिसाब से आपको ये मिल जाएगा इसका, जैसे ही आप बाइनोमियल खोलोगे। तो आप देख सकते हो कि आपका ये क्या है, ये आपको यहाँ पे लिखा है कि यहाँ पे टी की पावर एच है, ये टी की पावर एच, इसको लिख सकते हो जीरो एच टेन टू जीरो टू इन्फिनिटी, और इसको आप क्या लिख सकते हो यहाँ पे एच प्लस वन टी की पावर एच सिग्मा एच टेन टू जीरो टू इन्फिनिटी, इसी हिसाब से आप इसको ये लिख सकते हो। तो इस हिसाब से इन तीनों को ऐड करके जैसे ही लिखेंगे तो इसमें बाई एच का मान आपको सीधा कंपेयरिंग करने के बाद आपको ये आ जाएगा, कैसे यहाँ पे थ्री आ जाएंगे, यहाँ पे माइनस टू आ जाएंगे, और यहाँ पे आपका कितना आ जाएगा टू की पावर एच, जिसको आप अच्छी तरीके से यहाँ पे लिख सकते हो एच प्लस वन और होगा, क्योंकि यहाँ पे ओनली कंपेयरिंग करनी पड़ेगी किससे, कि जो भी आपने जनरेटिंग फंक्शन की डेफिनेशन पढ़ी थी उससे आप इसको कंपेयरिंग करनी पड़ेगी। या फिर इसको आप सीधी एक बात बता दें, इसको आप सीधा लिख सकते हो क्या, यहाँ पे आप लिख सकते हो एप्सिलॉन एच टेन टू जीरो टू इन्फिनिटी, और यहाँ पे कोष्टक में आप करके यहाँ पे लिख सकते हो थ्री माइनस टू कोष्टक में एच प्लस वन, और यहाँ पे क्या लिख सकते हो प्लस टू की पावर एच और कोष्टक क्लोज इंटू टी की पावर एच। तो इतना आप यहाँ पे लिख सकते हो। तो जैसे ही आप इसको लिखोगे तो इसकी जैसी कंपेयरिंग करोगे तो ये आप पूरी वैल्यू आपकी किसकी है, ये बाई एच की आपकी ये वैल्यू है, इस कारण से ये आपकी बाई एच की वैल्यू होगी, क्योंकि आपको जनरेटिंग फंक्शन की डेफिनेशन पता है कि ये आपको जो भी वैल्यू यहाँ पे लिखी होती है वो आपकी किसकी होती है, बाई एच की वैल्यू होती है। तो जैसे ही आप बाई एच की वैल्यू लिखोगे तो इसको आगे पीछे करने से आपको जो भी वैल्यू मिलेगी वो आपका क्या होगा बाई एच, यही आपका सिक्वेंस है। तो आपको समझ में आया कि आपको कैसे इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है, इसमें दो क्वेश्चन बनते हैं कि आपको किस हिसाब से कैसे इसको सॉल्व करना है, आपको जो भी डिफरेंस इक्वेशन दे रखी है उसकी सहायता से आपको सीक्वेंस कैसे याद करना है, या फिर आपको कह दिया जाएगा ओनली कि आपको जनरेटिंग फंक्शन निकालो, और जनरेटिंग फंक्शन ना पूछा उसके बाद सीधा इसका सिक्वेंस पूछा हो तो आपको इसका सिक्वेंस आपको फाइंड करना है। तो मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, और आपको यदि ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा। आपको धीमे धीमे आपके सामने हम जो बीएससी के आल वीडियो आपके सामने लेते हुए आएंगे, जिसमें आपको प्रॉब्लम हो तो आप ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताइए। तो मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में।